सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा है, स्लाइड मैंने वर्ड यूज किया, घिसटता हुआ आगे जा रहा है, तो इसमें कौन सी फ्रिक्शन काम करेगी बताओ? काइनेटिक, क्योंकि मैंने बोला स्लाइड कर रहा है, घिसटता हुआ जा रहा है, स्लाइड होता हुआ जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगी जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑपोजिट। ये भी क्लियर है यहाँ तक? ये रही काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपसे मैंने क्या पूछा, अगर कोई बॉडी आगे स्लाइड करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करती है? ऑपोजिट। तो एक ये रूल तो पक्का है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट काम करती है। चलो प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। ये देखो मैं चलना शुरू कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? राइट। फ्रिक्शन कहां पर है? गलत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं राइट, फ्रिक्शन कहां पर है? कैसे? बिल्कुल सही, क्योंकि जब मैं चलता हूं तो फिर मैं अपने पैर को पीछे फोर्स लगाता हूं, और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम कहीं गीली मिट्टी, कहीं वो ले लो, जहां पर आइस ले लो, पैर रख के देखो, पैर फिसलता जाएगा पीछे। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम फोर्स कहां लगाते हैं? ग्राउंड को, पीछे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? आगे। तो जब मैं चलता हूं तो फ्रिक्शन हेल्प करती है वॉक करने में, ये स्टेटमेंट है, तो फ्रिक्शन भी मेरी तरफ चलती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रिक्शन अपना रूल वॉयलेट कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, क्योंकि मैं अपने पैरों को पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूं तो वो ऑपोजिट टू पीछे डायरेक्शन, यानी कि आगे लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे चल रहे हैं, फ्रिक्शन भी आ गया तो रूल ही वॉयलेट हो गया, ऐसा नहीं है। तो याद रखना, जब ऑब्जेक्टिव आएगा, जब कोई बॉडी स्लाइड करेगी, हाँ अगर मैं सपोज स्लाइड करता हूं, अपने पैरों से स्लिप होता हुआ जाता हूं, तो फ्रिक्शन पीछे, राइट। तो जब मैं स्लाइड करता हूं तो फ्रिक्शन पीछे, जब मैं चलता हूं फ्रिक्शन आगे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट। तो एक बात तो पक्की है कि अगर मैं एक्सलरेट करना चाहता हूं, मान लो मैंने स्पोर्ट्स शूज डाले और मैं भागना शुरू करता हूं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स शूज के उसमें फ्रिक्शन है नीचे, सड़क एकदम प्रॉपर है, जो रनिंग ट्रैक्स होते हैं स्टेडियम के अंदर देखे होंगे, अलग ही मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हाई है, पैर नहीं फिसल सकता। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई रेस लगाने के लिए जब स्टार्ट करता है तो आपने देखा वो बेंड करता है अपने पैरों को बिल्कुल पीछे की तरफ, क्यों? पीछे फोर्स लगा रहा है ना, उसको फ्रिक्शन आगे चाहिए। इवन अगर ये टायर है, ये टायर अगर रोल कर रहा है, गाड़ियां कैसे चलती हैं बिना फ्रिक्शन के? आप अगर आइस लगा दोगे, आप रेस दबाते जाओ, आपकी गाड़ी खड़ी खड़ी घूमती रहेगी लेकिन आगे नहीं चलेगी। आगे चलने के लिए भी क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? वो भी चलने वाला काम कर, जैसे इंसान चलता है वैसे टायर भी चल रहा है। कैसे? देखो फ्रिक्शन प्रेजेंट है रबर की और इस सड़क की, तो ये टायर आगे एक्सलरेट करना चाहता है, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है, तेज घूमना चाहता है और आगे भी बढ़ना चाहता है। इसका लोअर एंड देखो कहाँ जा रहा है? पीछे। लोअर एंड पीछे तो फ्रिक्शन आगे। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम चलते हैं, हम चलते हैं तो पैर पीछे करते हैं, टायर भी पीछे करता है ताकि फ्रिक्शन जबरदस्त मिले और वो आगे एक्सलरेट करे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो फ्रिक्शन रोटेशनल मोशन में भी हेल्प करता है, हम जब रोटेशनल मोशन करेंगे, टायर का घूमना सीखेंगे, उसमें देखेंगे फ्रिक्शन जबरदस्त टॉर्क जनरेट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं इस बॉडी को घुमाना चाहता हूँ तो मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, घूमेगी, तेज घूमेगी, और तेज घूमेगी, ग्राउंड पे ये काम फ्रिक्शन करेगा, ये और तेज घूमेगी, यही तो है रोटेशनल मोशन। फिर लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन मुश्किल है, क्यों? उसके तो फ्रिक्शन भी आनी चाहिए, उसके लिए रोटेशनल मोशन भी आना चाहिए। अब जिनको फ्रिक्शन में फ्रिक्शन नहीं आई, उनको रोटेशनल में रोटेशनल कैसे आएगा, क्योंकि उनको तो फ्रिक्शन भी नहीं आती। तो इसलिए वो चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, अदरवाइज अगर आप यहाँ के रूल सेट कर लोगे वहाँ पे रूल अपने आप सेट हो जाएंगे। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, ठीक है। तो अब सपोज करो, एक और क्वेश्चन सुनो फिर डायरेक्शन का आंसर दो। लेट अस सपोज एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है और ये पुलिस के ऊपर ऐसे अटैच है, घूमी जा रही है, राइट, ये ऐसे घूम रही है, ये लो टायर घूम रहे हैं और इस तरीके से बेल्ट को घुमाए जा रहे हैं। आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि मैंने, और ये बेल्ट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये बेल्ट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, रबर की बेल्ट है,
जैसे एयरपोर्ट पे लगी होती है, वो बेल्ट्स घूम रही होती हैं रबर की, उसके ऊपर आप ब्रीफ केस रख दो, सेम कॉन्सेप्ट है। आप एलांटे जाओ, किसी मॉल में जाओ, तो वो रबर, वो जो स्टील की सीढ़ी, वो एस्केलेटर लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही है, वो बेल्ट के ऊपर, बेल्ट ही है वैसे, कुछ भी नहीं है। तो आप खड़े हो जाते हो, आपको आगे ले जाएगी मशीन। इमेजिन करो कि अगर मैंने इसके ऊपर एक बॉडी को फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, ये रख दिया, क्या होगा? वो साथ साथ चल पड़ेगी, ठीक है? नहीं, इस स्लो मोशन में, बहुत तेज आपने जल्दी चला दिया, आपने नोट ही नहीं किया, आपको लगा आप एयरपोर्ट पे हो और आपने बस टच ही फेंका, चल फ्लाइट पकड़ते हैं, ना ना, आराम से उसको देखो। आपने एक ब्रीफ केस को ऊपर से फेंक दिया, नीचे बेल्ट कैसे चल रही है आगे, तो वो ब्रीफ केस खड़ा हुआ था, सबसे पहले तो वो गिरेगा, खड़ा हुआ था, क्योंकि वो आप इनर्शिया ऑफ मोशन और वो सब लगाते हो, पर इनर्शिया तो थ्योरी में समझाने की चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा समझाओगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो एडजस्ट करेगा। और बेटर एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रीफ केस तो चलो फिर भी आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, आप खुद को इमेजिन कर लो। एक छोटा बच्चा है, वो एस्केलेटर के ऊपर हमेशा घबराता है, 3-4 साल का बच्चा ले लो, उसको तो पता नहीं, वो सबसे पहले तो क्या काम करेगा, वो आएगा और एस्केलेटर चल रहा होगा, वो सबसे पहले पैर ऐसे रखेगा और 100% गिरेगा ही गिरेगा, और फिर घबरा जाएगा कि अब क्या करना है इसका, क्यों? लेकिन जो बड़ा बंदा है वो क्या करेगा, अगर उसकी स्पीड 5 है, सबसे पहले उसकी स्पीड 5 ही रखेगा। आप एस्केलेटर चलो जब चढ़ते हो तो आप उसकी स्पीड के साथ मैच करते हो ताकि आपको झटका ना लगे, आपका तो नेचुरल फिनोमेन है, बच्चे को थोड़ा ना पता स्पीड मैच करनी है, वो तो उठा के जंप ही कर सकता है, जैसे वो जंप करेगा देखो उसको झटका लगेगा, हाँ फिर थोड़ा हिलेगा, हो सकता है गिर भी जाए, फ्रिक्शन शायद उसे बचा ले, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा एडजस्टमेंट करेगा, उसके बाद उसकी स्पीड 5 हो जाएगी बेल्ट के साथ, फिर आराम से चलता जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, जब उसने पैर रखा या उसने जंप किया, ड्रॉप किया अपने आप को, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 थी, क्योंकि उसको तो मैंने ऐसे रख दिया, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी और बेल्ट की वेलोसिटी 5 थी। अब जब तक उसकी वेलोसिटी बेल्ट जितनी नहीं हो जाती तब तक वो झटके खाता रहेगा, हो सकता है स्लिप भी हो जाए, स्लिप भी हो सकता है, वो स्लिप भी हो सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी, अल्टीमेटली 5 तो हो ही जाएगी, हद से हद क्या करेगा, जब वो गिर ही जाएगा और तो कुछ भी नहीं होगा, 5 तो कर ही लेगा, फिर आराम से मूव करता जाएगा, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी जब 5 होगी, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि जब आपने इस बॉक्स को इस पे रखा तो इस ब्लॉक्स और बेल्ट में फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां थी? कितने लोग बोलते हैं राइट, कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट, कितने लोग कह रहे हैं कि यार ये तो समझ सोचने वाली बात है कि ये इसमें हो क्या रहा है कि होगी फ्रिक्शन। अच्छा चलो ये भी केस लेते हैं, अगर मान लो फ्रिक्शन ही ना होती बेल्ट में, बिल्कुल स्मूथ है, अब बोलो आपने ब्रीफ केस रख दिया, क्या लगता है क्या होगा? ब्रीफ केस फिसलेगा या वहीं पड़ा रह जाएगा? वहीं पड़ा रह जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आप बैठ जाना, बेल्ट चल रही है, आप लेट जाओ, आपके नीचे से बेल्ट चलती रहेगी, आप नहीं हिलोगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है ही नहीं, पकड़ ही नहीं है। देखो जब तक बॉन्ड नहीं बनेंगे तब तक कैसे चलोगे, बिना फ्रिक्शन के तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो होगा क्या, बेल्ट जो है वो खिसकती रहेगी, आपकी पकड़ बेल्ट ने नहीं पकड़नी, तो अल्टीमेटली आप वहीं बैठे रहोगे और बेल्ट आपके नीचे से चलती रहेगी। तो मतलब एक बात तो पक्की, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साथ जाएगा तो फ्रिक्शन ही लेके जाएगी, तो यानी कि इसमें फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है। तो मेरा क्वेश्चन है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितने लोग बोलते हैं राइट लगेगी और कितने बोलते हैं लेफ्ट लगेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्लॉक की इधर है। ओके थोड़ा और ठीक है, बेल्ट की डायरेक्शन में लगेगी, आप कह रहे हो बेल्ट इधर जा रही है, राइट जा रही है, वेक्टर 5 है, तब कहाँ लगेगी? राइट लगेगी। ओके इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज करो, बिल्कुल ध्यान से, तुम अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो फ्रिक्शन की ना ब्लॉक के ऊपर, तुम बेल्ट से पूछो, तू
तू बता तेरे ऊपर फ्रिक्शन कितनी लगी, क्योंकि जो बेल्ट का आंसर होगा ब्लॉक का उससे उल्टा होगा। बेल्ट ने कहा देख मैं तो इधर जा रही थी और ब्लॉक ने मेरे को रोकने की कोशिश की। ब्लॉक तो दबा रहा है ना, उसे रोकेगा, रुक नहीं रही, बात अलग है। तो बेल्ट आगे जा रही है पर ब्लॉक जब आया उसको फ्रिक्शन लगा रहे और डायरेक्शन ऑफ मोशन बेल्ट की कहाँ है, राइट। तो बेल्ट पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, लेफ्ट। तो अगर बेल्ट पे लेफ्ट लगेगी तो ब्लॉक पे राइट लगेगी। तो देखो, तो मैंने रिपीट कर रहा हूँ, जो बेल्ट है वो आगे जा रही थी, बेल्ट की फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, बेल्ट की फ्रिक्शन लेफ्ट लेफ्ट, तो ब्लॉक की फ्रिक्शन राइट, ऐसे। और वैसे भी एक बात बताओ, एयरपोर्ट पे जब डाल देते हो अपना बस्ता, ब्रीफकेस डाल दिया, तो जाता कहाँ है, राइट, बेल्ट के साथ ही जाता है। क्यों, वो फ्री में चल पड़ा। न्यूटन को याद नहीं किया तुमने, न्यूटन क्या कहता है, अगर वो फ्री में कोई ऐसे चल पड़ता है कोई फोर्स तो लगी होगी, जब तुमने ने लगाई तो किसी ने तो लगाई, तो फ्रिक्शन ने लगाई, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली आगे ही काम करेगी, तभी तो वो बॉक्स आगे जा रहे हैं तो पीछे ना आ जाता। तो जो लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, तो फिर इसका आंसर दें कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ब्लॉक का और उनके हिसाब से फ्रिक्शन पीछे है, तो फिर कौन सी फोर्स आगे लेके जा रही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो मोशन फोर्स की, देखो न्यूटन ने कहा फोर्स के साथ आंसर देना, एक्सेलेरेशन जिस तरफ है वो ठीक है, फोर्स बताओ, अप्लाइड फोर्स तो है ही नहीं, मैं तो रख दिया था। और जो मैंने जो मोटर ने फोर्स दी वो तो बेल्ट को दी थी, ब्लॉक को तो कुछ भी नहीं दिया, तो तुमने बाहर से रखा है ब्लॉक, तो उसमें थोड़ा कोई मोटर लगी है, बेल्ट को तो मोटर घुमा रही है, उसको तो फोर्स मोटर दे रही है, तुम्हारे डब्बे को किसने फोर्स देनी है, फ्रिक्शन ने। हाँ तो फ्रिक्शन ने ना, बेल्ट ने, बेल्ट का मतलब आपसी फ्रिक्शन ने। देखो जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं ना, न्यूटन ने कहा, तुम वेलोसिटी की बात ना करो, बस तुम, मैं तुमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा फोर्स की, बस ये पूछ रहा हूं बेल्ट की फोर्स है, बेल्ट के पास 5 मीटर पर सेकंड घूमने की फोर्स है, किसने दी, मोटर ने दी होगी जो अंदर चल रही है, बात खत्म हो गई। ब्लॉक साथ गया तो किसने फोर्स लगाई, अपने आप तो साथ नहीं जा सकता, न्यूटन ने कहा, किसने फोर्स तो लगाई है ना, तो या तो तुमने जाके धक्का मारा या बेल्ट, तुमने कहा बेल्ट लेके गई, भाई जब तुम बेल्ट लेके गई और अगर बेल्ट की फ्रिक्शन ना होती, तुम मानते हो कि ब्लॉक वहीं पड़ा रहेगा, तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, बेल्ट की फ्रिक्शन ही उसको आगे लेके जा रही है, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, आगे होगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो बहुत बारीकली आपने देखना है इसमें, बहुत देख रहे हो आप कितना माइन्यूटली इस चीज़ को देखा जा रहा है, पर हम प्रैक्टिस से सीखेंगे कि डायरेक्शंस हर केस में कैसी लेनी है। बट फिलहाल ये 3 मेजर केस हैं जो मेरे को याद आ रहे हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन स्लाइडिंग पे ही आते हैं, स्लाइडिंग में तो सोचना ही नहीं है, कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो फिर उसकी डायरेक्शन पीछे ही होगी, स्लाइडिंग की ऑपोजिट होगी, कोई चल रहा है तो आगे होगी, बेल्ट वाले केस में भी आगे होगी, केस क्लोज।